मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट 2024 के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी ली कि एडमिट कार्ड जो है सीबीएसई ने जारी कर दिया है। बहुत से बच्चों के जो है लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, रोल नंबर नहीं है हमारे पास जो है एप्लीकेशन नंबर भी नहीं, तो वो कौन सा तरीका है जिससे इन दोनों के बिना भी आप अपना रोल नंबर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको इस एडमिट कार्ड पर किसके सिग्नेचर करवाने हैं, क्योंकि इस सिग्नेचर के बिना आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं आज सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आपको cbse.gov.in पर जाना है और सीबीएसई प्राइवेट एडमिट कार्ड, तो जैसे आप सीबीएसई प्राइवेट एडमिट कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लिक करना है सीबीएसई प्राइवेट एडमिट कार्ड पर। और जैसे आपने सीबीएसई प्राइवेट एडमिट कार्ड पर आपने क्या किया, क्लिक किया, फिर दिखाई देगा एडमिट कार्ड प्राइवेट कैंडिडेट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। अब यहाँ पर तीन चीज़ आपके पास है, या तो आप अप्लीकेशन नंबर से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर रोल नंबर यानी 2023-22-21 ठीक है 20-19-18 तो आप जिस भी साल के कैंडिडेट थे वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और तीसरा ऑप्शन वो है कैंडिडेट नेम, तो जिनके पास अप्लीकेशन नंबर नहीं और प्रीवियस रोल नंबर भी उनके पास नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट पर क्लिक करना है, कार्ड मदर नेम एंड फादर नेम। तो कैंडिडेट नेम यहाँ पर पहले अपना नाम भरेंगे, जैसे यहाँ पर हम भर रहे हैं साहिल यादव, प्रकार से हम भरेंगे रेखा देवी अनिल यादव ठीक है। तो अब ये आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि साइट जो है बहुत ज़्यादा बिजी, पूरे भारत के जो बच्चे अभी जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर रहे हैं तो इस वजह से साइट थोड़ी सी बिजी, आपको डाउनलोड करना है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तो जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपका यहाँ पर है लॉरेंस कॉन्वेंट SS प्रशांत विहार रोहिणी दिल्ली, तो इस बच्चे का जो सेंटर है वो है लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इस बच्चे को इस स्कूल में जाकर, इस बच्चों के इस स्कूल में जाकर यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के जो लॉरेंस स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे, जो एग्जामिनर इंचार्ज होंगे, उस प्रिंसिपल या एग्जाम इंचार्ज के जो है सिग्नेचर करवाने होंगे अपने एडमिट कार्ड पर। हाँ, तो अपने एडमिट कार्ड पे आपको इस प्रकार से कुछ सिग्नेचर करवाने होंगे, काम हो जाए जो मस्ट है वो है सिग्नेचर। तो सबसे पहले आपको अपना सिग्नेचर करवाना है, रनिंग हैंड्स ओनली, यानी आपको अपना सिग्नेचर करना है जो भी सिग्नेचर आप करते हैं। दूसरा सिग्नेचर आपका होगा आपके प्रिंसिपल का, उस प्रिंसिपल का जिस स्कूल में आपको एग्जाम सेंटर पड़ा, यानी एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल का जो है आपको सिग्नेचर करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लॉरेंस कॉन्वेंट SS प्रशांत विहार जो है सेंटर बच्चे का, तो वहाँ पर आपको जाना और उस प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने एग्जाम सेंटर के। दूसरा सिग्नेचर और थर्ड सिग्नेचर किसके होंगे, तो तीसरा सिग्नेचर होना चाहिए या मदर का सिग्नेचर होना चाहिए या आपके गार्जियन का, तो तीन सिग्नेचर आपके करवाने हैं, खुद का आपको करना है, दूसरा एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल का करवाना है विद स्टैम्प, धानिक विद स्टैम्प करवाना है, और तीसरा आपके गार्जियन फादर एंड मदर में से किसी एक का करवाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।